हेलो बच्चों, मैं विकास। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि अभी मैंने शुरू किया है आप लोगों के लिए क्लास टेंथ की पढ़ाई, और मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है। उसमें मैंने बताया है कि एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग के आधार पर कैसे हम टू वेरिएबल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, वही बात मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 2-3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुका हूँ लेक्चर 1 में, अब लेक्चर 2 में बनाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं क्वेश्चन कुछ बनाने जा रहा हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, मज़ा ज़रूर आएगा, समझ में भी आएगा। मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है ना RS अग्रवाल के बुक से ही आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा हुआ है 2x + 3y = 0 वाला, और सेकेंड लिखा हुआ है 3x + 4y = 5, ठीक है? तो आप समझने की कोशिश करना, इन दोनों क्वेश्चंस को हमको बनाना है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमको आंसर निकालना है। 2x + 3y = 0 और 3x + 4y = 5, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन के करीब आज सोल्व कराऊंगा, फिर 5 क्वेश्चन के बाद बंद हो जाएगा, फिर कल 5 फिर बताऊंगा, 3-4-5 लेक्चर में बता दूंगा, फिर आपको धीरे धीरे अपडेट होने लगेगा। फिलहाल समझते हैं बाबू। देखो, यहाँ पर वाई में 3 से गुना है और यहाँ पर वाई में 4 से गुना है। हमको टारगेट करना रहता है पहले वाई को, मैं जैसे अभी जो नियम बता रहा हूँ, तो इसको उलट के ऊपर नीचे गुना कर दो। तो यानी कह दो कि तुम में हम 4 से गुना करेंगे और तुम में हम 3 से गुना करेंगे। इस वाले पार्ट को इसमें ला दो, इस वाले पार्ट को इसमें ला दो। अब देखो, लिखेंगे देयरफॉर बाई 1 × 4 और यहाँ 2 × 3। अब बात आती है यहाँ ऑपरेशन क्या दे, जोड़ का ऑपरेशन दे या घटाव का, किसका ऑपरेशन किया जाए, यहाँ कौन सा वर्क कराया जाए कि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो मैंने कल के वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, मैं बताया हूँ कि साइन चेक करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होगा तो प्लस करेंगे और सेम साइन होगा तो माइनस करेंगे। अब देखो, यहाँ पर वाई का, अगर 3y का साइन देखोगे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस है यानी कि सेम साइन है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12 = 0, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 = 3 × 5 = 15। घटाना है, क्या करना है भाई, घटाना है, बात को समझना, घटाना है। तो जब घटाने की बात आएगी तो यहाँ पर घटाव का पहले साइन दे देते हैं बीच में, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये वाला कट जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा तो -1 आएगा, अब 15 में से 0 जाएगा, 15 का साइन माइनस हो चुका है तो -15 आएगा, इसको धीरे धीरे काट देंगे तो आएगा x = 15 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 15। इस क्वेश्चन में x का मान आएगा 15, बात को समझने की कोशिश करना भाई। अब देखो, जब ये हो गया x = 15, अभी हमें हटा रहा हूँ यहाँ से, अब थोड़ा बात करते हैं कि y का मान कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे क्या कि पुटिंग x = 15 इन फर्स्ट,
जब फर्स्ट में आप x बराबर 15 रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3y बराबर जीरो। फिर लिखोगे 2 इंटू 15 प्लस 3y बराबर जीरो, 15 दूना 30 प्लस 3y बराबर जीरो, तो 3y बराबर माइनस 30 और y बराबर सिंपल माइनस 30 बट्टा 3, तो y बराबर बबुआ लोग 10 आ गया, माइनस 10। आशा करते हैं समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं फिर से बता दूँ, फाइनली आप लिखना x बराबर 15 और y बराबर माइनस 10, ये आपका आंसर है। नोट कर लो, फिर से मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ, कम से कम 5 क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन तो हो गया, 4-5 क्वेश्चन और करा देता हूँ कि वीडियो थोड़ा बढ़े, आपको भी समझ में आए। और जिनको समझ में आती हो क्या करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और हमको थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब जगह, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। चलो नोट करो, फिर देखते हैं। आशा करते आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट ना हुआ हो तो वीडियो को पॉज कर देना और फिर नोट कर लेना। फिलहाल मैं चल रहा हूँ आगे पढ़ाने। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसको समझो। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, थोड़ा अच्छे से लिखूं, x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 6। अब कभी कभी जब बटा में क्वेश्चन दे देता है तो कैसे बनाएंगे, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम शुरू में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि कैसे होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ज़रूर समझ में आएगा। देखो, जब बटा में दे तो पहले ही सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 3 दूना 6 तो 2x, और 2 तिया 6 तो 3y, और बराबर 6 का 6 रहने दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 इंटू 6, यानी हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 36। अब इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, ये दो नंबर इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है। इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, लड़के लड़कियाँ जो भी पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, ध्यान से देखो। हमारा मेन टारगेट होता है वाई को टारगेट करना, मैं शुरुआत में यही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मैं कई तरीके से बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट है कि मैं आपको एक तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको सब समझ में आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको दिक्कत हो, ज़्यादा दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, एक तरीके से पढ़ेंगे सब क्वेश्चन कर लेंगे, इसीलिए मैं एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ वाई को बराबर करा करके। तो देखते हैं वाई की बात, यहाँ वाई 3 बार है और यहाँ वाई अकेले है, तो फिर वही बात लिखेंगे, देयरफॉर बाई 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इस 3 से इसमें गुना कर देंगे, और 2। अब बात आती है फिर से, प्लस का ऑपरेशन लगाएं कि माइनस का ऑपरेशन लगाएं। वीडियो अगर समझ में पूरी तरह ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर वाई का साइन है माइनस, यहाँ पर वाई का साइन है प्लस, यानी डिफरेंट साइन हो गया, डिफरेंट साइन पर प्लस करते हैं, डिफरेंट साइन पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब समझिए, यहाँ पर आप 3 से इसको गुना कर रहे हैं, तो 3 से 3 एकम 3x माइनस 3y, 3 तिहाई 9,
और ये हो गया 2x प्लस 3y अब बराबर 36। अब इसको हमने बटा लगाया, और मैं बोल रहा हूँ कि जब जोड़ते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जोड़ते हैं तो काम धड़ल्ले से होता है, फटाफट होता है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको आपस में काट देना है। 3 और 2 5x लिख देना है, 36 9 45 लिख देना है, और फिर यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 45/5, काट कूट के x बराबर आएगा 9। जब x का मान 9 आ जाएगा तो आप सेकेंड में अंक भी आराम से निकाल लेंगे, उसको भी मैं समझाता हूँ। देखो लिखेंगे पुटिंग x बराबर 9 इन फर्स्ट, तो जब फर्स्ट में x बराबर 9 पुट करोगे तो देखो x माइनस वाई बराबर 3 है, या 9 माइनस वाई बराबर लिखोगे 3, 9 वहीं रह जाएगा, 3 इधर आएगा, वाई उधर जाएगा, ये उधर गया ये इधर आया, 6 बराबर हो गया वाई, देयरफॉर वाई का मान हो गया 6, तो बाबू x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 6। आशा करते हैं कि तुमको समझ में आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं या आधा अधूरा मतलब थोड़ा हिंट दे के रख देते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना। अभी मैं 2 या 3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, और फीडबैक देना सब कैसा लग रहा है क्लास, तभी मज़ा आएगा। धीरे धीरे मैं बहुत कुछ पढ़ाऊँगा, बस सपोर्ट करते रहो, नोट कर लो। चलिए देखते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। देखो अब बात आती है कि हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे बटा में ही क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास बटा में, एक्स बाई टू माइनस y बाई 9 बराबर 6 है, तो पहले इसको हम सेटलमेंट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 9 और 2 का एलसीएम 18, 2 9 18 तो 9x, 9 दूना 18 तो 2y और बराबर 6। फिर हम लिखते हैं अच्छा 9x तो ठीक है, 2y भी ठीक है, 18 से 6 को हम गुना कर देते हैं, 18 6 108 हो जाता है, सो फाइनली हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 108, दिस इज 1, 9x माइनस 2y बराबर 108। एक और देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, x बटा 7 प्लस y बाई 3 बराबर 5 है, तो हम क्या करते हैं इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 7 3 का एलसीएम 21, 7 3 का 21 तो 3x 3 7 21 तो 7y और बराबर 5। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3x + 7y बराबर 5 × 21, तो फाइनली 3x + 7y बराबर 105। तो ये हो गया आपको एक तरह से सेकंड। अब इसी को ऑपरेट करके बनाना है, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा लेकिन कैलकुलेटिव जरूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं पूरा पूरा, फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ वाई 7 बार है, यहाँ वाई 2 बार है, तो वही लिखते हैं बी वाई बाई 1 × 7 जोड़ सेकेंड 2। आपको पता होना चाहिए इसके मल्टीप्लाई से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके मल्टीप्लाई से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, साइन देखिए माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, इसलिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिया जाएगा, डिफरेंट साइन जोड़ना है, सेम साइन घटाना है। तो चलिए
आप इसमें सात से गुना कर रहे हैं, सात सात नवा 63, सात दूना 14 और एक 56, सात एकम सात, यानी लगभग लगभग 756, बहुत ज़्यादा वैल्यू जा रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर कितना से गुना हो रहा है, दो से। देखिए दो से गुना कर रहे हैं आप, तो दो तीन 6x माइनस प्लस 14y तो होना ही है, और 105 दूना 210, चलिए ये कट जाएगा, ये 63, 69x, और ये देखा 6 का 6 आ गया, 5 1 6 आ गया, 7 2 9 आ गया, अब 9 आ गया और इतना हो गया। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। फिलहाल हम x बराबर लिखते हैं 966/69, 9 6 15, 9 6 15, 6 21, 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 3 से काटिएगा तो 23 3 69 24 नहीं 24 नहीं, 3 3 9 3 2 6 3 2 6। अब देखिए फिर इसको काटना है, चलिए यहाँ पे कट करके देखते हैं। 23 से 32 है, 2 है, 23 एकम 23 आएगा, 9 23 2 92, मतलब कुल मिला के इसको काटिएगा ना तो x का मान आपको घिरेगा या आएगा 14 यानी 14, x का मान आएगा आपको 14। अब y का मान निकालना है, पहले इतना नोट कर लीजिए, y का मान भी आपको हम निकलवा देते हैं, नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं फिर से x का वैल्यू रख करके y का मान निकाल के समझा देता हूँ, तरीका यही होगा बाबू, समझोगे तो मज़ा आएगा। लिखेंगे पुटिंग x बराबर 14 इन 1, तो ये 9x है, तो 9 × 14 − 2y = 108, तो 14 9 126 − 2y = 108, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, 126 − 108 = 2y, सो इसको घटाइएगा तो 18 8 26 होता है, संभवतः 18 आना चाहिए, और ये 2y, तो y बराबर हो जाएगा आपको 18/2, काट कूट के हो जाएगा 18/2, काट कूट हो जाएगा 9, y का मान आ गया आपको 9, y का मान आ गया आपको 9। देयरफॉर बबुआ लोग x बराबर 14 और y बराबर 9। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही जा रहा है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको आगे पढ़ाई में मदद मिलेगा, पढ़ाई में मज़ा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, फिर से समझा जाएगा कुछ और क्वेश्चन, आप नोट करते रहना अच्छे से। देखो
समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ फिर से, देखो क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बाई 4 बराबर 3 दिया है शायद, देख लेते तो 2x माइनस 3y बाई 4 बराबर 3। तो क्या करेंगे, पहले इसको सेटलमेंट करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, इसको 4 एलसीएम कर लेंगे, एक चौको 4 तो 4 दोनों 8x माइनस 3y बराबर 3, फिर लिखेंगे अच्छा तो 8x अपने जगह है, 3y अपने जगह है और 3 इंटू 4 कुल मिला के हो गया 8x माइनस 3y बराबर 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 5x बराबर 5x बराबर 2y प्लस 7। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 5x माइनस 2y बराबर 7। तो फर्स्ट और सेकेंड आपको दिख रहा होगा, इसको सोल्व करना है, आशा करते हैं आप लोग कर लोगे, लेकिन मैं एक स्टेप करा देता हूँ, एक स्टेप आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, फिर आप लोग बना के मुझे बताना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, RS वर्ल्ड की बुक उठा लो, बनाओ, दो चार रोज के बाद हम लोग NCERT 1x1 पढ़ेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुना कर दो, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दो, समझ रहे होगे। चलो देखो लिखेंगे BY बाई फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 और सेकेंड मल्टीप्लाई 3। अब बात आती है ऑपरेशन की, जोड़ रखें कि घटाव रखें, तो साइन चेक करना पड़ेगा। देखो साइन कैसे चेक करते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी साइन सेम है, तो सेम साइन होने पर भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 8 16x, 2 3 6y, 12 2 24, 5 3 15x, 2 3 6y, 7 3 21। घटाना है, घटाओ, जोड़ घटाओ। देखो घटाओ को घटाओ ही कहेंगे, लेकिन यहाँ जोड़ को घटाओ मतलब बन जाएगा, घटाओ जोड़ हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये x बचेगा और ये 3 हो जाएगा, यानी x का मान आपका आ गया बाबू 3। फिर वही अब स्टेप, अब थोड़ा सा मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, आप क्या कहोगे, लिखोगे देयरफॉर पुटिंग x बराबर 3 इन फर्स्ट, फर्स्ट में 3 पुट कर लोगे यहाँ पर और y का मान आप लोग निकाल देना, ये आप लोग के लिए HW रहेगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़रूर बनाएंगे, समझेंगे, अच्छा से बना करके हमको WhatsApp करेंगे फ़ोटो खींच के। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, कल के वीडियो में मैं कुछ और बटे वाला क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो बच्चा लोग या बबुआ लोग आज इतना ही रहने दीजिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए क्या किया जाए। बाय बाय, टेक केयर।